अपना ख्याल ना रखकर क्या आप मुझे मेरी नजरों के सामने मुझे मुजरिम बनाना चाहती हैं? अलिया ना करे मैं ऐसा सोचूं। तो अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां क्यों डाली है जो कोई किसी के साथ शेयर भी नहीं करता? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा घर नहीं है। है, सबका घर है। बड़ों की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, और ये मैं किसी पर एहसान जताने के लिए या दिखावे के लिए नहीं करती। तो फिर क्या खुद को मसरूफ रखने के लिए करती है? शायद ये भी। तो असल बात क्या है? देखे, मियां बीवी दुख सुख के साथी होते हैं। अगर आप अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आप जानते हैं ना कि मेरी एक शादी टूट चुकी है। मैं एक बार बेघर होने का साथ झेल चुकी हूं, और उसकी तकलीफ सिर्फ मैं जानती हूं। मैं फिर ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। तो क्या इसके लिए आप अपनी इज्जत नफ्स को भी दांव पे लगा देंगे? मतलब शांजे ने खुद से झूठ करके सबके सामने हुस्ना आपा के आगे आपसे माफी मंगवाई और आपने उसे माफ कर दिया? शांजे बच्ची है, उसने अपने हिसाब से जो कुछ किया मुझे नीचा दिखाने के लिए वो उसने किया। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे आपसे है। मुझे जितना भी नहीं समझ पाए, मुझे किसी को वजाहत देने का टाइम भी नहीं दिया, घर जाने को कह दिया। तो क्या इसके लिए आप इजाज के घर जाना चाहती थी? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा दिल चाह रहा था मैं यहां से कहीं भाग जाऊं, छुप जाऊं जाके कहीं, मुझे छोड़कर। जिन भी हालात में आप मेरी जिंदगी में आए है तो हम मियां बीवी ना, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझ आएंगे और फिर शायद अच्छे दोस्त भी बन जाए। उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उन्हें सबकी जगह आपको दे सकूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। आप मेरे साथ देंगे?